हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं ना आप लोगों की आज की एनर्जी में टैप इन करते हुए अपना आई वॉज फीलिंग वेरी लेड बैक, बहुत ही एकदम कैजुअल, रिलैक्स, हल्का सा। इट्स नॉट लेजी, इट्स मोर लाइक आप खुश हो अपने काम से। लाइक जो अमाउंट ऑफ वर्क आपने किया है और जो रिजल्ट आपको मिला है, यू जस्ट रियलाइज कि ये बहुत अच्छा रहा, ठीक है। एंड नाउ यू कैन रिलैक्स। लाइक आपका फाउंडेशन ऑलरेडी आपने डाल दिया है, और ज़्यादा हड़बड़ आने की, जल्दी जल्दी चीज़ों को करने की, या यू नो हद से ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक आप बिल्कुल रिलैक्स तरीके से अपना काम कर सकते हो, ठीक है। इट्स लाइक हाथों में काफ़ी समय है, ठीक है, सोचने का, रेस्ट करने का, नींद पूरा करने का, आराम से खाना वाना खा करके। अब वो एक होता है ना कि जब हमारे सर के ऊपर कोई काम होता है, कोई असाइनमेंट होती है, तो हम ठीक से खाना भी नहीं खा पाते, जल्दी जल्दी हमें वो काम कंप्लीट करनी होती है, राइट। पूरा जो ध्यान है वो उस काम पे लगा रहता है। जब तक वो पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए, तब तक मन बस उसी में लगा रहता है, राइट। बट आपका भी ये फाउंडेशन जो है, इट्स लेड सो वेल, इतनी अच्छे से फाउंडेशन रेडी हो चुका है कि आप हल्का सा बस आराम से बैठ के थोड़ा इधर उधर करने से ही काम कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपने बेस अपना अच्छा बना लिया है, ठीक है। ओके, आप में से कुछ लोग यू ऑल आस्किंग अबाउट योर मैरिज, ठीक है, कि ये पर्सन क्या मुझे शादी के लिए पूछेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। यस, वी हैव द मैरिज कार्ड, यस, ठीक है। यू गाइस आर ऑलरेडी मैरिड या आस्किंग कि क्या मेरी शादी होगी। और लिसन, आपकी एनर्जी एंड आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है, इट हैज़ कम अप एज अ कपल, ठीक है ना। आई एम नॉट एक्चुअली गेटिंग एनी नेगेटिव वाइब, बट इसके बाद ही जजमेंट आ रहा है। सो इट्स लाइक द फैक्ट कि अगर आप लोगों को बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी, बहुत पहले सेटल डाउन हो जाना चाहिए था, बट जिस किसी कारण से चीज़ें बार बार करके पोस्टपोन्ड हो रही है, तो यहाँ पर एक जजमेंट कॉल होगा एंड इट्स अपराइट विच इज़ गुड, ठीक है। इट्स लाइक आप दोनों को ऐसा कुछ लग रहा था कि इस कमिटमेंट से पहले कुछ और करना बाकी है, देयर इज़ समथिंग जिसे पहले ठीक करना होगा, उसके बाद ही ये कमिटमेंट कंप्लीट हो सकता है, ठीक है ना। आपके आपके पर्सन के कुछ और प्लान्स हो सकते हैं, या कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है जिसे आप पहले कंप्लीट कर देना चाहते थे एंड उसके बाद आप इसमें आएंगे, ताकि जब आप साथ में आओ फिर कोई इंटरप्शंस ना हो, फिर सेपरेशन में जाने की या किसी और के बीच में घुसे आने की जगह ना मिले। होता है जब कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट करना बाकी रह जाता है, तो वी कांट कंट्रोल दी एनर्जी। जैसे समय आता है उस डेप्थ को पे ऑफ करने का, कोई ना कोई बहाने से वो एनर्जीज कपल्स के बीच में आ ही जाता है, राइट। सो इट, तो आप या आपका पर्सन, ठीक है ना, आप दोनों को कहीं ना कहीं इस बात का ना एहसास था कि कुछ और है जिसे पहले कंप्लीट करना बाकी है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकोगे। प्रिंसेस जो चाहे वो करती है, सामने से वॉक करके चली जाएगी, आकर के बैठ जाएगी, इट्स हर वर्ल्ड, हम तो बस उसमें रह रहे हैं। ओके, वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ये रिवर्स्ड आया है, या राइट। तो आपका पर्सन पास में थोड़ा सा फ्लाइटी हो सकते थे, या किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो बहुत ही स्नीकी है, ठीक है ना, चीज़ें चुरा चुरा के भाग जाना,
अपने आप को इन्वेस्ट ना करना। एक होता है ना लोगों में, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि यार जब सारे काम हो ही जा रहा है तो मुझे यहाँ पर करने की क्या ज़रूरत। बट वॉट दे डोंट रियलाइज इज जब कोई इंसान अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता ना उस चीज़ से, वो जुड़ ही नहीं पाता। जुड़ने के लिए भी एक लेवल का इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, हाथ बटाने पड़ते हैं, जुड़ना पड़ता है, राइट। तो आप ही आपका पर्सन यहाँ पर ये नहीं कर रहे, ठीक है ना, नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट। इट्स लाइक कुछ और है जो पहले करना होगा, उसके बाद ही मैं इस पर पूरी तरीके से ध्यान दे पाऊँगी या दे पाऊँगा। तो आपका पर्सन या आप बहुत बटे हुए थे। लेट मी गेट मोर कार्ड्स ऑन दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स। या इट्स द फाइनेंस, ओके। तो आपका पर्सन स्टेबिलिटी चाहते थे, वो चाहते कि पहले फाइनेंस को सेटल अप कर दे उसके बाद। यू नो आपका पर्सन एक्चुअली दे सी यू लाइक द हाई प्रिंसेस यू आर, बट और वो आपके लिए अपना 100% सब कुछ इन्वेस्ट भी करना चाहते, लाइक आपके लिए प्रोवाइड करना चाहते, बट वो मटेरियलिस्टिक लेवल से चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा जज करे कि यार ये तो राजकुमारी है, हाँ, या क्वीन है, हाई प्रिंसेस है, एंड शी डिज़र्व्स द वर्ल्ड, ठीक है, मैं उसको अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। एंड तो पहले तो वो सब कुछ इकट्ठा करना होगा, राइट। बट द फाइनेंस इज़ नॉट इन इट्स प्लेस। आपका पर्सन नहीं समझ रहे कि आपके साथ आने के बाद उनका सब कुछ सेटल अप हो जाएगा। इट्स नॉट दैट कि उनके पास एक अमाउंट ऑफ फाइनेंस नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट दैट कि उनके पास एक अमाउंट का फाइनेंस नहीं होना चाहिए, इट्स मोर लाइक उनका वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यही है। इट्स लाइक यूनिवर्स यहाँ पर जजमेंट कॉल इसलिए करे क्योंकि उन्होंने पैसे को प्रायोरिटाइज किया हुआ है। तो आप यहाँ पर सेकंड सीट ले रहे हो, एंड बीइंग दैट हाई प्रीस्टेस बॉस यू आर इक्वल्स, आप यहाँ पर सेकंड पोजीशन में नहीं आ सकते हो। यू आर सपोज टू बी द टॉप प्रायोरिटी। आप इस पर्सन को आप इस पर्सन को अपना टॉप प्रायोरिटी बना करके हो, ठीक है, बट देन ये पर्सन आपको अपना टॉप प्रायोरिटी नहीं बना पा रहे। वो अभी भी कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आपसे ज़्यादा अहमियत दे रहे, एंड दैट्स एन इशू। यूनिवर्स इज लाइक नहीं, तुम ऐसे ट्रीट होना डिज़र्व नहीं करते। वो भी जानते हैं कि आप ऐसा ट्रीट होना नहीं डिज़र्व करते हो, ठीक है ना। They are going about this thing in a very wrong manner. अगर आप और आपके पर्सन, आई फील कि आप और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन ज़बरदस्त है, ठीक है ना, यू आर लाइक इंगेज्ड, यू आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट एंड बात कर रहे हो, ठीक है, बट somehow शादी नहीं हो रही है, ओके, सो आप यहाँ पर आपके पर्सन को ये क्लैरिटी ज़रूर दे सकते हो। ऑफकोर्स ये आपका रिलेशनशिप भी है, राइट। आप बैठे बैठे ये नहीं सोच सकते हो कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, अगर उसे रियलाइज़ करना है तो उसे खुद से रियलाइज़ करनी चाहिए। नो, ये रिलेशनशिप आपका भी है। अगर आपका पर्सन कुछ कोई चीज़ समझने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, यू आर सपोज टू टॉक, ठीक है ना, एंड उन्हें बताओ कि तुमने मुझे प्रायोरिटाइज नहीं किया। कोई भी रिलेशनशिप में दो इंसान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर चाहे हालात कैसे भी हो, अगर आप दोनों एक दूसरे को अपना टॉप नॉट बनाकर बैठे हो ना, तो फाइनेंस रहे ना रहे, अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, आप साथ मिल करके उसको संभाल भी सकते हो, इन्जॉय भी कर सकते हो, राइट। बट देन अगर आपका पर्सन कंसिस्टेंटली पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो उनका ध्यान सॉरी अचानक से इन लोगों को
फाइट करने के बारे में याद आ गया। एंड ये बाहर के जो डॉग्स हैं ना वो बाउंड्री के अंदर आते हैं, तो ये लोग बस टेरिटोरियल होकर के इन्हें एक दूसरे को भगाना होता है। या द एनर्जी जो इस वक्त आपको एम्बॉडी करनी है हाई प्रीस्टेस से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में, ठीक है ना। आप एक्चुअली डर रहे हो, ठीक है ना, बात करने से आपको डर लग रहा है कि कहीं आपका पर्सन आपको छोड़ के ना चले जाए। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका पर्सन ऑलरेडी आपके ऊपर किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज करके बैठे हुए हैं। यू नीड टू बी इन दिस किंग ऑफ सॉर्ड एनर्जी राइट नाउ, लाइक एकदम सीधा जा करके उनसे बात करनी होगी आपको, ठीक है ना। एंड वी हैव द टेम्परेंस रिवर्स्ड, यस, इससे थोड़ा सा उन्हें झटका लगेगा, ठीक है, उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड रिवर्स, ठीक है, उनके अभी भी ऐसे उनके लाइफ में कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ठीक है ना, उन्हें उन्हें लगा था कि वो काम कर जाएगा पर हुआ नहीं है, वो वैसे भी थोड़ा अपसेट है, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको जो वर्ड्स आप यूज़ करोगे ना आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप जा कर के उनसे झगड़ा नहीं कर सकती, आपको सीधा जा कर के उन्हें कहना होगा कि द फैक्ट कि ये सारी चीज़ें इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स बिकॉज हमने अपने लाइफ के ऊपर एक दूसरे के ऊपर दूसरे चीज़ों को ऐसी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे रखी हुई है जो प्रॉब्लम मैटर नहीं करता है, जो हम साथ मिलके भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है इसलिए हम एक दूसरे से अलग रहेंगे। दैट्स नॉट राइट, इजंट इट। Doesn't really make sense. आपके पर्सन के दिमाग में ये चलता है कि पैसा नहीं है तो लड़की नहीं रहेगी, या शायद यू नो खर्चा कौन चलाएगा, ये वो ये अच्छी बात है कि आपका पर्सन अपने आप को पहले स्टेबलाइज करके फिर मैरिज में जाना चाहते हैं, दैट्स फाइन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम सेइंग कि आपका पर्सन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को टॉप प्रायोरिटी बनाते हैं, तो शादी के बाद भी उनके लिए पैसा एंड उनका काम ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। मैं आपसे अब पूछ रही हूँ, क्या आप सेकंड सीट लेना चाहते हो? आपको टॉप में होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद आनी चाहिए। And this is what is affecting your connection. It's like ना आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है एंड ना वो समझ पा रहे, वो बस ये सोच रहे कि मुझे पैसा एक जगह करना है ताकि मैं इस शादी को पूरा कर सकूँ, ताकि मैं ये कमिटमेंट दे सकूँ, ठीक है ना। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अवॉइड कर रहा है, सारी चीज़ें डिले हो रही है, पता नहीं यूनिवर्स की तरफ से शायद रेड फ्लैग है, ठीक है ना। हाँ, रेड फ्लैग तो है, ये इंटरनल इशू है। यूनिवर्स आपसे कह रहे कि तुम्हें मैंने एक अमेजिंग पर्सन बना करके भेजा हुआ है, ठीक है ना। तुम सेकंड किसी के लाइफ में सेकंड स्पॉट नहीं ले सकते, मैंने उसके लाइफ में तुम्हें एज इक्वल भेजा है और उसे तुम्हें ये इक्वल का पोजीशन देना होगा, तभी ये शादी हो पाएगी, नहीं तो ये स्टैग्नेंसी ऐसी रहेगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में यही चल रहा है, दैट्स इट। आपको इसी को रीसेट करना पड़ेगा, आपके पर्सन को आपको हर चीज़ के ऊपर चुनना होगा, दैट्स ऑल। या तेरा फाइनेंशियल लॉस इज ऑल्सो, यस सर।
या देर आर सीक्रेट्स। लिसन, यहाँ पर ये भी हो सकता है विद दैट स्टीलिंग कार्ड एंड द पाइसिस कार्ड एंड द फाइनेंशियल लॉस, आपका पर्सन शॉर्टकट तरीके से किसी तरीके से पैसा कमाने की कोशिश भी कर चुके हैं जल्दबाजी में। आपका पर्सन जल्दी जल्दी चीज़ों को करना चाहते हैं एंड वो लिटरली, मैं मुंह पर बोल रही हूँ, वो लिटरली बहुत गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं इस कमिटमेंट को आपको देने के लिए। एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप, सेइंग कि तुम ये नहीं कर सकते। पैसा नॉलेज सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? दैट्स ट्रू, दैट्स ऑफ कोर्स 100% इट्स ट्रू, बट हमें अपने आप को खोकर ये करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू बी डूइंग दैट, कि हम अपनी नज़रों से गिर जाए या अपने आप को इतना परेशान करे, अपने आप को इतना तंग करे, ठीक है, एंड बाद में गिल्ट भी फील हो, ठीक है ना? नॉट सपोज टू बी डूइंग दैट। वी हैव टू ऑफ वॉन्स एंड वी हैव द सिक्स ऑफ सोर्ड्स। लेकिन अगर आप अपने पर्सन से बात करोगे ना इस बारे में, वो एक्चुअली मान जाएंगे, वो समझ जाएंगे आपका। लेकिन एक हाइफेंट, एक हाइफेंट अपराइट इज अ स्पिरिचुअली गाइडेड पर्सन, ठीक है ना? हाई प्रीस्टेस एंड हाइफेंट दोनों के ही डाउनलोड्स हायर अप से आते हैं। हाँ, ये पर्सन रिलीजियस ज़रूर होता है, पर वो जब रिलीजियस बुक्स पढ़ता है ना, वो बहुत ही स्पिरिचुअल नज़रों से चीज़ों को देखता है, लाइक रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है ना? वो पढ़ करके थर्ड डायमेंशन में चीज़ों को मैनिपुलेट करके करने के लिए या ऊपर से चीज़ों को शॉर्ट में समझाने वाले में से नहीं है। आपका पर्सन जब पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसका स्पिरिचुअल साइड में टैप इन करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। दैट्स दी हाइफेंट एनर्जी, जो एक्चुअली 5D का जो रियल मैसेज है ना, वो लोगों तक लेकर के आ सकते हैं, ठीक है ना? तो आपका पर्सन कोई डम्फक नहीं है, ही इज़ अ गुड गाय या शी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है ना? एंड वेरी स्मार्ट। इट्स जस्ट दैट कि वो इस चीज़ को ना ठीक से समझ नहीं पा रहे कि कहाँ पर वो गलत जा रहे हैं। सो यू रियली नीड टू हेल्प हिम आउट। आप बात करोगे ना, एक्चुअली वो उन्हें थोड़ा सा स्टार्टिंग में बुरा लगेगा, ठीक है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज प्रॉब्ली उन्हें पूरी ज़िंदगी, लेसन अगर आपके पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल किया है, फाइनेंशियल धक्के खाए हैं, ठीक है, या उन्हें हमेशा कहा गया है, घर में उन्होंने वो लैक देखा है कि पैसे नहीं होने की वजह से लोग भूखे सो रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, उन्होंने बहुत तकलीफ झेली है या बेइज्जती झेली है ना, तो उन्होंने बहुत कम उम्र में डिसाइड कर लिया होगा कि वो पढ़ाई भी करेंगे, काम भी करेंगे और वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, एंड उनके लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है ना? या हो सकता है जिस किसी ने उनकी इंसल्ट कर दी कि तू अपने औकात देख और मुझे देख, ऐसा किया होगा, उनका दिल दुखाया होगा, जिसके वजह से वो बहुत एडमेंट हो गए कि मुझे पैसा चाहिए, ठीक है ना? उनके दिमाग में ये बात बैठ गया कि पैसा नहीं है तो कोई तुम्हारा नहीं है, बट अगर तुम पैसे को टॉप प्रायोरिटी बनाते हो तो लोग पैसे के लिए ही तुम्हारे पास आएंगे, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं होगा, वो इसलिए आएंगे कि तुम उसे क्या दे सकते हो, क्या प्रोवाइड कर सकते हो। एंड यू नीड टू मेक योर पर्सन अंडरस्टैंड कि आप उस कैटेगरी में नहीं पड़ते, आप उनके पैसे के लिए नहीं हो, आप उनके कंपेनियनशिप के लिए हो, उनके लिए, उनके साथ के लिए हो। इट्स फाइन कि वो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो सही तरीके से वो हार्डवर्क करके वो तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं, एंड इट माइट टेक टाइम एंड इट्स ऑल राइट अगर उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है, बट
उन्हें ये सारी चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को टॉप प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्रॉब्ली वो आपको ये सीक्रेट भी शायद बताएं कि पास में उन्होंने ऐसे कोई लॉस झेली थी जिसके वजह से उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है ना, बहुत ही इंसल्टिंग सिचुएशन हो गया था एंड ही वॉज हर्ट ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल, जिसके वजह से उनका जो माइंडसेट है ना ऐसा हो गया, ठीक है ना। एंड आपके कहने पर, आपके संभल देने के बाद वो रियलाइज़ करेंगे कि उन्हें इस तरीके से सोचने की या इस तरीके से चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यू नीड टू मेक हिम अंडरस्टैंड और वो अंडरस्टैंड करेंगे बिकॉज ही इज़ द हाई पॉइंट, ठीक है ना। वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं, इट्स जस्ट दैट कभी कभी स्मार्ट से स्मार्ट लोगों को भी ना कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि सामने से आकर के कोई अगर उन्हें टोके ना तो वो अपने आप को करेक्ट कर, एंड आप उनकी होने वाली अर्धांगिनी हो, राइट, स्पिरिचुअल वाइफ, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप दोनों के ऊपर सोल कॉलिंग भी है, राइट, सो ही विल हियर यू आउट, वो समझ जाएंगे। उन्हें थोड़ा सैड भी लगेगा क्योंकि प्रॉब्ली उन्होंने बहुत लंबे समय तक इस एनर्जी में वो थे, ठीक है ना। एंड वो ऐसे ही सोच के पकड़ लो 18-15-20 साल तक इसी सोच में वो जी रहे थे, ठीक है ना। तो इस सोच को लेट गो करने में और अपने माइंडसेट को टर्न करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड उसकी वजह से ये टेम्परेंस एंड स्टार रिवर्स्ड आया था कि कुछ वक्त के लिए उन्हें छोड़ देना ताकि वो थोड़ा रिफ्लेक्ट बैक करें, इट्स इम्पॉर्टेंट, ताकि वो उस चीज़ को पूरी तरीके से 100% रिलीज़ करके फिर रिन्यू हो करके वो आपके पास आए और वो आपको बताएंगे। होल्ड दैट प्लेस एज अ मैच्योर्ड पर्सन, जाने पिए होल्ड दैट प्लेस उनके लिए ताकि वो दिल खोल के आपसे बात करें। हो सकता है कि इसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहते, वो बात भी नहीं करना चाहते, बहुत पुरानी बातें, हर्ट है वो जख्म को अपने सीने में लेकर के चल रहे पर वो किसी को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ठीक है ना। बट अगर आप वो स्पेस उनके लिए होल्ड करोगे ना तो आप दोनों के बीच में एक सॉलिड फ्रेंडशिप अगर ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर नहीं है आप दोनों के बीच में अभी भी वो डीपली एक दोस्ती वाला जहाँ पर आप बिना जजमेंट के डर के आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अभी भी हिचकिचाहट है, डर लगता है आपको, तो इस कन्वर्सेशन के बाद वो हिचकिचाहट चली जाएगी एंड वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड ना और सॉलिड हो जाएगा। दे विल बी एबल टू एक्सप्रेस टू यू 100%, ठीक है ना। एक लास्ट गाइडिंग कार्ड देख लेते हैं, एक क्लोजिंग मैसेज प्लीज, मैं इतने सारे नहीं करके जस्ट वन। ओह या यस, यू गाइस ट्विन फ्लेम्स, हाई लेवल सोलमेट, क्योंकि हाई पेन एंड हाई प्रिस्टेस आए थे, आई से दिस अ हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन, ठीक है ना। यू बैलेंस ईच अदर आउट वेरी वेल, या वी हैव द फूल एंड इट्स रिवर्स्ड, वाई इज द फूल रिवर्स्ड हियर। देखो आपका पर्सन ना वो फील कर रहे हैं कि कुछ है उनके अंदर जो उन्हें तंग करता है, जो उन्हें रिलीज़ करना है पर वो रिलीज़ कर नहीं पाते, ठीक है ना। एंड दे डोंट लाइक टू बी करेक्टेड, आई एम हियरिंग सिग्मा मेल, ठीक है ना। इट्स लाइक कोई सामने से आकर के उन्हें बोले ना वो थोड़ा सा टेकन बैक हो जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है अपने आप को क्वांटम खुद रिफ्लेक्ट बैक करना। बट यू बीइंग उनका अदर हाफ, ठीक है, अगर वो आपको एज इक्वल नहीं देख पाते और ऐसे में अगर आप उनसे जाकर के इस बारे में बात करोगे ना तो उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल भी होगा, ठीक है, एंड वो रियलाइज़ भी करेंगे कि हाँ आप उनके इक्वल तो हो पर शायद वो आपको एज इक्वल ट्रीट भी नहीं कर पा रहे थे इसी जख्म के वजह से, वो फाइट करना छोड़ देंगे।
अपने ज़ख्मों को ना अपने अंदर दबा करके रखना वो छोड़ देंगे एंड आपका पर्सन लिटरली इस चीज़ को रिलीज़ करेंगे, थोड़ा स्ट्रगल करेंगे बट रिलीज़ भी करेंगे, ठीक है ना। लाइक टू बी ऑनेस्ट, आप अपने पर्सन से जब बात करोगे ना आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उनके थेरेपिस्ट हो और वो आपका पेशेंट है, बट देन इट्स फाइन। आप यू शुड बी इतना फ्लेक्सिबल कि आप अपने पर्सन के लिए वो सब कुछ हो पाओ जिसे उनकी ज़रूरत है, और उन्हें भी आपके लिए वो सब कुछ होना चाहिए जिसकी ज़रूरत आपको है, ठीक है ना। कभी दोस्त, कभी कभी एक नर्चरर, ठीक है, कभी एक लवर, कभी जस्ट एक साइलेंट लिसनर, ठीक है। या वी हैव द पॉलिटिक्स इन, मैंने कहा ना कि वो ये बिहेवियर को रिलीज कर देंगे आपके टोकने के बाद। यू नीड टू यूज द वर्ड्स वेरी वेल, एकदम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात करियो। आपका पर्सन एक्चुअली ट्रांजिशन में ही है, बिकॉज वी हैव पॉलिटिक्स रिवर्स्ड एंड वी हैव द मैच्योरिटी रिवर्स्ड। यहाँ पर एक्चुअली आपके पर्सन को कोई इस ट्रांजिशन से गुजरने से रोकता है हर बार, या आपका पर्सन खुद भी हो सकते हैं, बट देर इज़ एन एनर्जी आई एम हियरिंग जो आपके पर्सन को रोकता है ये ट्रांजिशन कंप्लीट करने के लिए। इट्स लाइक उन्हें लगता है कि अगर वो इस चीज़ को जाने देंगे ना, इस बिहेवियर के, इस माइंडसेट को जाने देंगे ना, तो हो सकता है कि वो अपना एक हिस्सा खो दे, विच इज़ ट्रू, क्योंकि ईगो डेथ है, एक टॉक्सिक पैटर्न है जिसे उन्हें रिलीज़ करना है, वो अपना उस हिस्से को खोएंगे, यही फैक्ट है। बट उन्हें पहले इस बात को रियलाइज़ करना होगा कि इस हिस्से को जो वो पकड़ के बैठे हुए ना, वो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वो बरकत नहीं ला रहा है, वो अंदर ही अंदर उन्हें और टॉक्सिफाई कर रहा है। पास्ट में हो सकता है कि ये जेद, ये स्टबर्ननेस उनके लिए काम कर गया, पर अब उन्हें अपने तरीके को चेंज करना होगा, बिकॉज समय चेंज हो गया। वो ओल्ड सेल्फ में रह करके वो इस नए एनर्जी को एम्ब्रेस नहीं कर सकते। वो जब डिसीशन उन्होंने लिया था कि मैं सबसे अमीर बन के दिखाऊंगा, या मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, कभी गिरूंगा नहीं, उस टाइम पे अपने आप को बनाने के लिए वो ज़िद सही था, ठीक है। पर अब समय ऐसा उन्हें कह रहे हैं कि अब वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर तुम ऑलरेडी जीत हासिल कर चुके हो, जो तुम्हें साबित करना था वो कर चुके हो, अब नए लेवल पे जो नया सेल्फ है तुम्हारा, वो लेवल अप के लिए तुम्हें अपने आप को चेंज करना होगा, वो चीज़ों को जाने देना होगा। आपका पर्सन थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, हम सीरियसली कहेंगे थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, या बट देन दे विल लेट गो ऑफ द बर्डन एज वेल। वी हैव द नाइन, सी ये सिक्स है ना, उल्टा आया है नाइन, दे विल लेट गो ऑफ दिस, क्योंकि वो खुद भी जानते कि उनका ये माइंडसेट ना अब उनके लिए एक हैरेसमेंट बन गया है कि हमेशा टॉप पे रहना होगा, हमेशा अकाउंट में पैसा होना चाहिए, पैसा नहीं होगा तो रातों की नींद उड़ जाती है, ठीक है ना। एक इट्स लाइक पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, आपका पर्सन पॉवर्टी कॉन्शियसनेस का शिकार है। इट्स लाइक उनके अकाउंट में हमेशा एक अमाउंट 40-50 हज़ार रुपये होना चाहिए, जहाँ वो एक रुपया भी कम होने लगेगा ना तो आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ जाती है, उनको ऐसा लगेगा कि उनके सर के ऊपर से छत जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी जा रही है, उनकी स्टेबिलिटी जा रही है, कि पर्सन नींद सही लेंगे, ठीक है, या पर्सन सीरियसली नींद सही लें। एंड अगर आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में नहीं हो, दिस इज़ द लास्ट मैसेज जो मुझे मिल रहा है, जस्ट इन केस अगर आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में नहीं हो, आपको ड्रीम स्टेट पे उन्हें ये मैसेज देना होगा टेलीपैथिकली, और वो जब स्ट्रगल करेंगे आप फील कर पाओगे कि हाँ वो रिलीज कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे चीज़ों को, उस ओल्ड सेल्फ को जाने देने में। पहले वो जाने नहीं देना चाहेंगे, ठीक है ना,
एंड दे विल ट्राई टू रिजिस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट नहीं करेंगे कि ये क्या हो रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज योर पर्सन इज़ प्रिटी कंट्रोलिंग, ठीक है ना. बट देन धीरे 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 दे विल हैव टू लेट गो एनी वेज. होता है कई बार हमें पता होता है कि एक चीज़ हमें हर्ट कर रहा है, पर फिर भी हम लेट गो नहीं कर पा रहे, ठीक है ना. एंड आपके लिए एडवाइस है कि आप पेशेंस मत खोना, आप बिल्कुल भी यहाँ पर पेशेंस मत खोना, बिकॉज आपके पर्सन को ये इनर वर्क्स करने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है, हमेशा से दिक्कत हुई है उन्हें, ठीक है ना. सो यू विल हैव टू होल्ड अ लॉट ऑफ पेशेंस. वो प्रॉब्ली पहले राउंड में आपकी बात सुन के भाग जाए, आपको अवॉइड करे, ठीक है, ब्रेकअप भी करने की कोशिश कर सकते हैं. बट देन ऑनेस्टली आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो आप दोनों को साथ लेकर के आएगा. आपको बस उन्हें इतना समय देना है कि वो खुद से इस ट्रांजिशन से गुजरे, ठीक है ना. बिकॉज ये सिचुएशन में वो जितना रहेंगे इस माइंडसेट के साथ, जितना वो रहेंगे पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, उतना चीज़ों को वो खोएंगे. पॉवर्टी कॉन्शियसनेस मतलब क्या, चीज़ें जा रही है. तो अगर उनके सबकॉन्शियस माइंड में यही है तो अल्टीमेटली वो यही करेंगे ना, चीज़ों को खोएंगे, आएंगे पर उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे, वो चले जाएंगे. वो डर हमेशा उन्हें नचाता रहेगा, उन्हें इस चीज़ को रिलीज़ करना होगा. अनसेफ, इनसिक्योर, अनस्टेबल वाली ये सारी एनर्जीज को उन्हें रिलीज़ करनी होगी, ताकि वो अपने आप में स्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करे. इट्स लाइक उन्होंने सारी जो इम्पोर्टेंस है ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर डाल रखी है कि जब पैसा होगा तो मैं स्टेबल फील करता हूँ. वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं हूँ तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, वो ये नहीं समझ रहे. वो इम्पोर्टेंस, इनफैक्ट वो सिर्फ ये इम्पोर्टेंस आपको इसलिए नहीं दे पा रहे कि उन्होंने पैसों को इम्पोर्टेंस दे रखी. इट्स लाइक वो अपने आप को ही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, वो अपने पोटेंशियल, इट्स लाइक उन्हें अपने पोटेंशियल पे एग्जैक्टली उस तरीके से भरोसा नहीं है. इट्स लाइक उन्हें पता है कि उन्हें वो पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना. बट ये डर कभी कभी इतना हावी हो जाता है उनके ऊपर कि वो एकदम से पैनिक करने लग जाते हैं. ऐसा लगता है कि सब खो देंगे, सब खो देंगे, सब खो देंगे. वो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि मनी इज़ एनर्जी, वो आएगा जाएगा, इट्स इनकमिंग आउट गोइंग फ्लो होता रहता है, ठीक है ना. एंड उसे स्टेबलाइज करने के लिए खुद स्टेबलाइज होना होता है. इट्स लाइक रह के ना उन्हें डर लगता है कि शायद वो चीज़ों को होल्ड करके ना रख पाए. इट्स लाइक पास्ट में जब वो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं हो पाया ना, जब बिकॉज वी हैव द स्टीलिंग कार्ड, तो किसी ने जानबूझ के उन्हें धोखा दिया होगा, ठीक है, या जिस तरीके से वो चीज़ों को कर रहे थे, यूनिवर्स वॉज लाइक नहीं तुम ये लोग तो गलत कर ही रहे हैं पर तुम्हारे तरफ से भी कुछ गलतियां हो रही है. एंड चीज़ें जब बिखरी ना तो उनके मन में ना एक डाउट, एक डर बैठ गया. वो इस ऐसे एक टाइम को दोबारा देखना भी नहीं चाहते जहाँ पर उनके दोनों हाथ वापस से खाली हो जाए, पर उनके अंदर वो इस डर को रिलीज़ करके वो दोबारा कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पा रहे कि अब जब वो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं. इट्स नॉट दैट कि आपका पर्सन एकदम सड़क पे है, इट्स मोर लाइक वो एक अमाउंट अपने पास रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, ठीक है ना. उन्होंने वो टारगेट बना रखी है एंड इट्स लाइक अगर वो टारगेट थोड़ा सा भी घटता है तो आपका पर्सन एकदम पागल पागल जैसा हो जाता है. दैट्स पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, राइट. सो उन्हें इस डर को रिलीज करना होगा, उन्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरना होगा. दैट इट्स फाइन,
अगर अकाउंट में अकाउंट निल भी हो जाए ना, तब भी तुम्हारी स्टेबिलिटी तुम हो। जिन्हें पॉवर्टी कॉन्शियसनेस नहीं होता ना, उनके अकाउंट अगर खाली भी हो जाए ना, तो उन्हें पैनिक अटैक्स नहीं आएंगे। ये लाइक हाँ ठीक है कोई नहीं, कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाएगा, वो रातों की नींद नहीं खोते क्योंकि उन्हें भरोसा होता है अपनी काबिलियत के ऊपर। पर आपके पर्सन के माइंड में ऐसा डर बैठ गया है ना, ऐसा ऊपर से उन्होंने उसको जिद में भी कन्वर्ट किया हुआ, उसको हवा दे रखी है कि उन्हें लगता है कि अगर वो अभी के अभी अगर उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया, या अभी का अभी अगर उन्हें ये नहीं, उन्होंने ये काम नहीं किया ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वेरी ड्रामेटिक योर पर्सनल नहीं होता है पॉवर्टी कॉन्शियसनेस जब किसी को हिट करता है ना, तो होता है। सो योर पर्सन रियली नीड्स टू हील, और इसमें आपको पेशेंस धरना होगा, ठीक है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।